रहता तो वो ज्यादा अगर नेचुरली देखा जाए तो मट्टी के घर में है, लेकिन शेर जैसे बाल पहले तो बिल्कुल स्टफ था फिर मुझे छोड़ दो मैंने भाग में। बस अभी अपना मिनी फोन स्टार्ट कर दे, क्या कहते हैं? अच्छा है यार, वैसे अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूँ कंसा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल कंसा का आशियाना। तो भाई सबसे पहले कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बोला ही था कि अब से मैंने रेगुलर व्लॉग्स जो हैं, मतलब कि जैसे मैं पहले दे रही थी व्लॉग, रेगुलर तो नहीं फ़िलहाल अभी, लेकिन जैसे पहले व्लॉग्स दे रही थी वैसे देना इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर दूँगी। तो खैर से अब उसी रूटीन में वापस आ रही हूँ। तो भाई जिसने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं जल्दी से जाके देख लें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, बेल के आइकन का बटन दबा दें और टिकटॉक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जल्दी से फॉलो कर लें। तो भाई ये फैज खड़े हुए हैं, ये रहे फैज, इधर आए ना, ये रहे फैज, हेलो कर दें। ये बहुत दिनों बाद आपको नज़र आ रहे होंगे, और वैसे आजकल मेरी शॉर्ट में भी नहीं आ रहे हैं। आपके साथ कोई शॉर्ट प्रिपेयर करनी है मैंने, ठीक है? ठीक है, तो भाई अभी मेरी शॉर्ट्स भी जल्दी से जाके देख लें। तो भाई आज के व्लॉग में ना मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, समझ नहीं आ रहा था। तो भाई आज जो है ना फैज़ को, आपको जैसे कि पता ही है कि फैज़ को बड़े सारा मतलब एनिमल्स का शौक़ है, वही शौक़ जो है ना फैज़ ने मताफ़ को दे दिया और मैं नहीं चाहती कि वो खुद को दे, क्योंकि हम कहीं टॉय शॉप भी जाएँ तो मताफ़ साहब को होता है कि भाई मैं एनिमल्स हूँ। और फैज़ ने अपने बेड, जैसे मैं आपको भी दिखाती हूँ, आंखों के ऊपर तोते रखे हुए हैं, बिल्ली हमने बहुत पहले से रखी हुई है, फिंचेस भी रखी थी। फैज़ वो फिंचेस कहाँ गई हैं? कहाँ गई हैं? वो जावा इन्होंने दे दी, क्योंकि जावा इनको सूट नहीं करी थी, है ना? नहीं, वो कहना था कि मेरे पास ज़्यादा है तो आपने तीन चार रखी हैं मुझे। हाँ, तो वो आगे दे दी। इसके अलावा बड़े पैरट्स भी रखे हुए थे, है ना, वो भी दे दिए। मतलब फैज़ को एक्चुअली लव बर्ड्स का शौक है तो ज़्यादा फैज़ हुई रखा हुआ है। फैज़ को मैंने कहा कि ग्रे पैरेट लेकर आओ, मेरा अच्छा लगता है। बस ये सारी सिचुएशन है। तो आज जो है ना, आज भी फैज़ ने अपना एक और शौक़ पूरा किया और एक और चीज़ लेकर आए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा और यूनिक किस्म का, बहुत ही प्यारा है एक्चुअली। अभी छोटा है लेकिन बहुत ही प्यारा है, लेकिन अभी एक ही है, मतलब कि पेयर पूरा नहीं हुआ। फैज़ ने उसका जोड़ीदार भी लेकर आना है, हमें टेंशन उसके जोड़ीदार की है। और बाकी अभी ये कि कुछ दिन हमने उसको सैम से भी बचाना है, क्योंकि अभी उसका घर वगैरह प्रिपेयर होना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट में उसको बहुत जल्दी पड़ी हुई है, एक मिनट। तो भाई ये फैज है। हाँ फैज, थोड़ी सी वो करें ना, जैसे पहेली होती है कि किसी को पहेली बताएं कि ये चीज़ है तो आप गेस करें, फिर हम करेंगे टन 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 टन। क्यूट सा एनिमल है जो जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा प्यारा लगता है, बड़ा होके फिर थोड़ा सा उससे दिल भर जाता है, हिचकिच हो जाता है ना, हिचकिच तो नहीं कह सकते, फिर वो बंदा दूर दूर से देख के खुश होता है। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा कुछ रहने का, कुछ कैसे, कहाँ रहता है? रहता तो वो ज़्यादा अगर नेचुरली देखा जाए तो मट्टी के घर में है, लेकिन अभी भी तो हम ये तो साथ ही पता लग जाएगा कि क्या है, तो मट्टी उसमें रखेंगे, आर्टिफिशियल बनाएंगे उसका। अच्छा चलें, तो फैज आप दिखा दें कि क्या है, इधर करें ना। ये लाइन फेस रैबिट होता है, ये अभी छोटा है, इसका जब पूरा फेस बन जाएगा ना तो ये लाइन फेस रैबिट हो जाएगा। ये इसके शेर जैसे बाल, पहले तो बिल्कुल स्टफ था, छोड़ दो मैंने भागना है। ये देखो ये स्टफ तो है जैसा, इसके छत पे लेके जाऊंगा, लेकिन ये भागेगा बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, वो बड़े के कितना पाल है, क्यूट है, क्यूट कितना है ना, फ्लफी है। हाँ वो तो स्टफ टू आई लग रहा है, देखिए इसके बाल देखे। तो भाई अभी ये अकेला है, कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा, कल या मार्केट जाऊंगा। ये है, मारता तो नहीं है? नहीं, ये नहीं मारते, शायद बाइट करते होंगे। ये तो बड़ा पाल है, ये देखिए अभी इसका खाना लेके आऊंगा थोड़ी देर। बहुत प्यारा है, आए मम्मा को भी दिखाए ना, चले। क्या है, प्यारा है ना, मम्मा देखा है, बहुत प्यारा है, बताओ देखो लाइन है।
डेबिट नहीं है लाइन है। सो क्यूट। भाई अभी हम रौनक को भी कॉल करने लगे, हम अपना लाइन लाइन का बच्चा दिखा देना जो सस्ता लाइन है हमारा थोड़ा। तो मैंने बच्चों को देखे जरा खुशियाँ देखे। और वैसे भी मेरे बच्चे जानवरों से नहीं डरते। सुहान इसके बाल देखो आपकी तरह आए हुए, सुहान के और रैबिट के बाल सेम है। शिल्की भी है, शिल्की भी है देखो। कितना प्यारा लग रहा है। हाँ दिखा पा क्यों करे है ना। तो भाई अभी हमने जो है ना रैबिट को इधर रखा हुआ है, अभी ये जाएगा ऊपर, अभी इसको अभी ये पिंजरे में रहेगा क्योंकि फिर इसका अभी फैज को ऑब्वियसली ऑफ नहीं है, प्रॉपर घर बनेगा इसका और फिर उसमें रहेगा और फिर इसका जोड़ीदार भी आ जाएगा। अभी फिलहाल एक्चुअली जिनसे हमने लिया है ना वो ये रहता है फैमिली में, मतलब उनके साथ ही रहता था, तो ये भी फिलहाल पिंजरे में भी एडजस्ट कर जाएगा। और मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटेड और खुश हैं। और देखिए लाइन जैसा ही, इसके फेस जो होते हैं ना लाइन जैसा होता है, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब ये बड़ा हो जाता है तो इसके इतने बाल हो जाते हैं, ये वाकई लाइन जैसा लगता है, तो बहुत क्यूट है। बाकी ये देखिए हमने इसको इसमें रख दिया, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। ये जी फिलहाल मैंने इसको इस पर रख दिया, ये देखिए इसमें ये भी ऊपर चला जाएगा। ये तो पाला है, ये तो मुझे वैसे गिन चढ़ती है बाकी मम्मा और मुझे, लेकिन ये बहुत प्यारा है माशाल्लाह, इसका नाम भी रखेंगे हम। ऐसा अब खाना खा रहे हैं और मेरे दिमाग से मैं तो सोची हूँ हम भी ना एक मिनी जू बना रहे हैं। फैस आजकल ट्रेंडिंग पे मिनी जू ही चल रहा है, और मेरे मियाँ ने तो कब से रखे हुए, जब से लोगों ने चैनल भी स्टार्ट नहीं किया होगा फैस ने, तो तब से तोते रखे हैं मैं नहीं फैस 2019 से। नहीं वो तो आपने शादी से पहले वो दूसरे थे ना आपके पास, कॉकटेल भी शादी से पहले फैज मुझे वो गिफ्ट किया था, लेकिन ये कि प्रॉपर जो है फैज वो तो आपने 2019 से स्टार्ट किया ना। हाँ फार्मिंग मतलब बात रही है ना, अब ये है कि फैज ने और भी चीज़ें बड़ी ये है मतलब लेके दी, अभी और भी चीज़ें आनी है। फैज अब भी अपना मिनी होना स्टार्ट कर दे, क्या कहते हैं? अच्छा है यार वैसे, अच्छा है। आप मेरे विवाह बताए ना, आप भी और आप भी मेरा व्लॉग देखते हैं। खैर अभी मैं भी ये सोच रही हूँ, आप लोग मुझे बताएं कर दूँ मैं भी मिनी फैस के पहले कितना कहते हैं कि ऊपर आके वीडियो बना लें, ये लाया हूँ वो लाया हूँ, मैं ऐसे ऊपर ही नहीं चढ़ा जाता, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं भी स्टार्ट कर दूँ। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में, कर दूँ स्टार्ट? अगला दिन और आज हो गई है 23rd of August, तो और 23rd of August की भी दोपहर हो गई है। अभी हम लोग काम शाम सफाइयाँ वगैरह करके फ्री हुए हैं, जहूक और मताफ अपने अपने कामों में लगे हुए हैं एज़ यूजुअल, और रैबिट साहब जो है वो कल ऊपर चले गए थे और फैस कहते हैं स्कूल में आ गए थे क्योंकि वो काफ़ी देर से उस छोटी वाली बास्केट में था, तो इंसान हम इंसान थक जाते हैं तो फिर जानवर है बेचारा, घर ऊपर चला गया था। और फैस ने कहा था कि सुबह खाना डाल देगा, लेकिन अभी फैस ने कहा है कि मैं डाल के उसको खाना गया हूँ, अभी नहीं देना, मैं शाम को आके दूंगा। तो सब मैं ऊपर नहीं गई, अभी गर्मी थी और रात को टाइम बहुत हो गया था, तो आज इंशाल्लाह ताला जाऊंगी तो वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करूंगी कि अभी उसको कैसे रखा हुआ है। मैंने सोचा कि अपने वीलॉग को भी अभी यहाँ पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि वरना ना फिर मेरे लिए एडिट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जहूक साहब क्या कर रहे हैं और फिर अपने वीलॉग को एंड करेंगे। ये जी जहूक साहब ये हैं, ये देख रहे हैं मैं वो ही किचन में, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैंने सोचा यहीं पे आके अपने वीलॉग को एंड करूं। तो बस अभी मैं अपनी शॉर्ट वगैरह भी बना रही थी, तो बस आज के वीलॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आज का वीलॉग आप लोगों को और हमारा रैबिट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मैंने पूछा था ना मैं भी मिनी जू ना बना लूँ फैस के साथ मिल के, ऐसे बना हुआ ही है हमारा, हमें क्या बनाने की ज़रूरत पड़ी है, बना हुआ ही है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ।
बाकी जी ये भी जरूर बताइएगा कि रैबिट कैसा लगा। और चलें जी अपने वीलॉग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह तआला मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि उस बेचारे को कैसे फिलहाल रखा हुआ है, क्योंकि फैज़ के आगे 2 दिन ऑफ होगी तो उसमें फिर उसका घर शर्का करेंगे। तो चलें अब मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दें, मेरी शॉर्ट्स भी जाके वॉच कर लें, टिकटॉक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो चलें फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, घूम फिर के वहीं पे बात आ जाती है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।